नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी की सभी सीटें पे चुनाव लड़ेगी। बात करने वाली है वो स्वच्छ पानी की है। पानी गंदा आता है। जो हमारा मेन टारगेट है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे। कि जिन सिद्धांतों के ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी काम किया करती थी, कभी वोट हासिल किया करती थी, उन सिद्धांतों से बिल्कुल भटक चुकी है। कि चंडीगढ़ के अंदर टाइफाइड के केसेस के अंदर ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूँ आपके साथ राहुल तिवारी। आने वाले चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ कांग्रेस के कई बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रमुखी शर्मा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज कितने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी में मनी माजरा के जो सीनियर और काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, महिपाल जी, दाताराम सैनी जी, चंचल जी और डैनी जी के साथ आम आदमी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए हैं। तो हम सब ने उनका स्वागत किया और इन सब ने आज प्रण लिया कि हम आम आदमी पार्टी के आँख, नाक और कान बनकर इस मनी माजरा में काम करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम तक पहुंचाएंगे, जिसका कि हम किसी उसको सोल्यूशन निकालने के लिए उसी रूपरेखा को तैयार करे जाए। सर, किन कारणों से आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में? वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष के अलावा कुछ नहीं रह गया था और वहाँ पे क्रिएटिविटी का या नए आइडियाज़ का, जैसे आज कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठ के बात करी है कि जब समस्याएं वहाँ पहुँचाएँ तो वहाँ उसके पहले ये डिसाइड किया जाता था कि क्या उस समस्या को टेकअप करने के लिए उनके अपने पर्सनल कोई इंटरेस्ट हैं या लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए। अब आप मनी वाले बाहर चले जाएं, आप बताइए कि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो वहाँ की वहीं हैं। वर्कर को वर्कर ना समझकर अपने पर्सनल काम के लिए जो उनके घर में जाता है वो ही वर्कर माना जाता है। उसके अलावा जो जेन्युइन वर्कर है, ग्राउंड पे काम करता है, कोई समस्या लेके जाता है, वो उसकी कोई सुनवाई नहीं। जो रेगुलर वहाँ पे हैबिचुअल हैं, जो सुबह जाके बैठते हैं, दो दो घंटे बाहर बैठते हैं एक परिवार के घर के बाहर, या उस परिवार के सदस्यों से अपना कलाइजन रखते हैं, खोल के अपना रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को कार्यकर्ता माना जाता है, जिसका कि एक जीता जाता एग्जांपल मैं भी एक हूँ। नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी की सभी सीटें पे चुनाव लड़ेगी और जिस हिसाब से हमें ज़मीनी कार्यकर्ताओं से, दोनों पार्टियों के और अपने इंडिपेंडेंट जो संस्थाएं हैं वहां से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो शायद आज तक कभी किसी को नहीं मिला। आए दिन आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में दिल्ली मॉडल की बात करती है, तो ये कहाँ तक, किन मुद्दों पर चंडीगढ़ को दिल्ली मॉडल में तब्दील किया जाए? बिजली, पानी और प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन, ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे और इन्हीं के ऊपर हम फोकस करके एक बात करेंगे। अभी जो सुनने में आ रहा है, अखबारों में आ रही है कि जो चंडीगढ़ का वाटर सप्लाई है, ट्रीटमेंट प्लांट है, इसको प्राइवेट किया जाएगा। अभी आपने कुछ देर पहले भी ये बात रखी थी, तो अभी भी ये प्रॉफिट में चल रहा है, तो क्या ज़रूरी है इसको प्राइवेट कंपनीज को सौंपना? सबसे पहले तो हम सबको एज अ सिटीज़न, इस शहर के सिटीज़न, ये सोचना पड़ेगा कि क्या 24/7 की ज़रूरत है। जब एक सिस्टम ठीक चल रहा है, बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है। आज भी चंडीगढ़ में जो बात करने वाली है वो स्वच्छ पानी की है। पानी गंदा आता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हम उस तरफ चल पड़ते हैं जो जिसमें कि किसी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या टेंडर, सिर्फ टेंडर लगा के पैसा खर्च करना है। जो हमारा मेन टारगेट है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारा सबका, आम आदमी पार्टी का बेसिक मोटिव है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है उसको हम बिल्कुल नेग्लिजिबल पे लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। और शहर के लिए एरिया वाइज हम प्लान करके चलेंगे, पूरे शहर की डेवलपमेंट जो है वो एरिया वाइज प्लानिंग करके होगी, ना कि होलिस्टिक जो हम कहें जी हम दो सेक्टर के लिए जो प्लान है वो बनी मारे में चलेगा, बिल्कुल नहीं। फिलहाल आम आदमी पार्टी में अभी शामिल हुए हैं महिपाल शर्मा जी, आइए इनसे जानते हैं कि क्या देखा आपने आम आदमी पार्टी में जो आप सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मैं 1989 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक अलग अलग ओहदों पे मैंने काम किया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जिन सिद्धांतों के ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी काम किया करती थी, कभी वोट हासिल किया करती थी, उन सिद्धांतों से बिल्कुल भटक चुकी है। छोटे से कार्यकर्ता की तो पूछ है ही नहीं, और आलम आज ये है कि इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता कम, नेता अधिक हो गए हैं। और बात आई, जैसे चंद्रमुखी शर्मा जी ने बोला, पानी की, अब पानी के रेट बेतहाशा बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप पैसे देकर पानी मुहैया करवाते हैं,
मैं मेडिकल व्यवसाय से संबंध रखता हूं। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि चंडीगढ़ के अंदर टाइफाइड के केसेस के अंदर ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और जहां तक असलियत की बात है कि टाइफाइड सिर्फ गंदा पानी पीने से ही फैलता है, जब नगर निगम अपने सिटीजन्स को साफ पानी मुहैया नहीं करवा सकता तो मेरे ख्याल से उसको पैसे उसकी कीमत बढ़ाने का भी कोई हक नहीं है। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी जो बेसिक मुद्दे हैं बिजली पानी इनको लेकर चंडीगढ़ में एक अपना स्टेप आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ में अपनी शाख बनाती जा रही है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए चंडीगढ़ के मनीमाजरा में कई लोग इस आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और जो आने वाले टाइम में हम नगर निगम के चुनावों में भी जैसा कि चंद्रमुखी शर्मा जी ने कहा कि इनको वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ की सभी कुर्सियों पर सभी पदों पर ये अपना हक जरूर जमाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।